नमस्कार, मैं पूर्वी गावड़े, आपका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब होगा 23 तरह खबरों का आगाज, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। मुंबई कुर्ला परिसर के वार्ड नंबर 169 की नगर सेविका प्रवीणा मुरस्कर ने आज अपने वार्ड में लोगों की समस्याओं का हल निकालने का हेतु दौरा किया। इस दौरे के दरमियान प्रवीणा ने लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो कि रोड की समस्या है, उस पर काम शुरू किया। आने वाले गणेशोत्सव ध्यान में रखते हुए उन्होंने रैबिट डालकर रोड रोलर के माध्यम से रोड को इस्तेमाल के लायक बनाया। इस काम के साथ ही नगर सेविका प्रवीणा ने लोगों को घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जल्दी ही नाले और कचरे की समस्या पर हल निकालने का ही आश्वासन दिया है। पल्लूस तालुका के आमणापुर येड़ावी रोड स्थित कृष्णागढ़ एंग्रो खांडसरी कारखाने के निर्माण कार्य के विरोध में अंगूर उत्पादक किसान, खेतीहर मजदूर, व्यापारी सड़क पर उतरे। उन्होंने पल्लू शहर में मोर्चा निकालकर तहसीलदार राजेंद्र पोल को अपना ज्ञापन सौंपा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के कथित सृजन घोटाले मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एनजीओ सृजन पर सरकारी राशि की अवैध निकासी का आरोप है। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सृजन घोटाले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घोटाले की पोल खुल चुकी है और उन्हें बाढ़ के पानी में डूब जाना चाहिए। बतौर लालू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्टेपनी नीतीश भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस घोटाले पर चुप्पी साधे हुए हैं। चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित शिन्हुआ न्यूज ने एक वीडियो जारी कर भारत के 7 पापों का जिक्र किया है। इस वीडियो में कहा गया है कि 18 जून को भारतीय सैनिक अवैध रूप से चीनी सीमा में घुसे थे और भारत ढाल की तरह भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो पर नस्लवादी होने का आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि आजकल नैतिकता के बिना हर कीमत पर चुनाव जीतना एक चलन बन गया है, जबकि लोकतंत्र तभी पनपता है जब चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त, पैसों का लालच देना, उन्हें धमकाना और राजतंत्र का उपयोग जैसी चीज़ों का सहारा लिया जा रहा है। गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फाइनेंसर और कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जांच एजेंसी ने वटाली की तलाश में श्रीनगर और आसपास के इलाकों में 12 जगहों पर छापेमारी की थी। इससे पहले भी कुछ आतंकियों के वटाली के घर पर मिलने के चलते उसे गिरफ्तार किया गया था। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-13 से 2015-16 के दौरान कॉरपोरेट और व्यापारी घरानों से बीजेपी को सबसे अधिक 705 करोड़ जबकि कांग्रेस को 198 करोड़ चंदा मिला। इस दौरान बीजेपी को 92% और कांग्रेस को 85% चंदा कॉरपोरेट क्षेत्र से मिला। वही राष्ट्रीय दलों को इस दौरान 956 करोड़ 70 लाख का चंदा मिला, जो कुल गैस स्रोत का 89% है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केरल के हादिया केस पर कहा है, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दायरे से बाहर का है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्यार के नाम पर धर्मांतरण संबंधित हादिया केस की जांच एनआईए को सौंपी है। इस मामले में केरल हाईकोर्ट ने शादी को धोखा बताकर रद्द कर दिया था। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने ट्वीट कर हैदराबाद में ओमान निवासी 65 वर्षीय शेख से ब्याही गई नाबालिग लड़की को वापस भारत लाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की मांग की है। वहीं उनके ट्वीट के जवाब में ओमान के भारतीय दूतावास ने कार्रवाई के लिए मामले की जानकारी मांगी है। तेज तरार खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपका न्यूज। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं। बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान। खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज़।
ये आपका न्यूज चैनल यहाँ पर जो 15 अगस्त से आपने शुरू किया है, पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया जाए, ना कि मीडिया के नाम पे धब्बा बने, क्योंकि आज मीडिया के बारे में समाज में जिस प्रकार की भावना निर्माण हो रही है उस भावना को यहाँ पर हमें सुधारना चाहिए और समाज में जिस प्रकार की तकलीफ है उसको प्रशासन के सामने, शासन के सामने लाने का काम करना चाहिए। मैं इस शहर का मेयर होने के नाते आपका जो चैनल है, इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे समाज हित की जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी खबरें हैं, वो बिनशर्त वहाँ पर दिखाई जाए। आपका न्यूज़ चैनल की शुरुआत हुई है 15 अगस्त से, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की सारी खबरों की ये पता चलने वाला है। मैं ये चाहती हूं कि ये न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से ये चैनल चलाएँ और सारी जो न्यूज़ हैं, जो सारी खबरें हैं वो हम तक पहुँचाएँ। बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम तक आते हैं। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हर कोने में महाराष्ट्र के आप पहुँचें और जो भी वहाँ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो सारी जनता तक पहुँचाएँ। मैं नेत्रा शिर्के नगर सेविका हूँ नवी मुंबई की, नेरुल से, और मैं मेरी तरफ से और मेरे वार्ड के सारे नागरिकों की तरफ से आपका न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आपका जो न्यूज़ चैनल नया जो ओपन हो रहा है इस समय पर, इस चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक और सभी राजकीय स्तर पर लोगों के विकास के लिए अच्छा काम करें और न्यूज़ चैनल से अपने विभाग के लिए, विकास के लिए आप भी प्रयत्नशील रहे। हम उम्मीद रखते हैं कि आपके चैनल से, कि आपका चैनल आम आदमी का चैनल होना चाहिए, लोगों की सुख, लोगों का जो दर्द है, सुख दुख है, उसमें सहभागी होकर जनता का आईना बनना चाहिए। इसी तरह से इस चैनल काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। फिर एक बार मैं आपके ये चैनल को, आपका न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जो आपका न्यूज़ है, मैं आपको बताऊँगा, ये सच आपके सामने रखेगा और कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा उसको पूरी ताकत से उठाएगा कि जब तक सिस्टम को, मतलब हम चाहेंगे कि सिस्टम इसका मतलब दखल ले और जो हम जो अन्याय अत्याचार उसको तुरंत उस पर मतलब अंकुश लगाए, इसीलिए हम चाहेंगे कि अपना न्यूज़ ये तत्पर रहेगा। आपका ये न्यूज़ है उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप बहुत गरीब लोगों से और अमीर लोगों तक आपका ये चैनल चलता रहे और जो सही न्याय है वो आपका चैनल अच्छे तरह से सही न्याय देगा, ये मुझे पता है। आपका न्यूज़ के सभी दर्शकों को राहुल वालंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके न्यूज़ को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी चाहूँगा कि इस चैनल के जरिए अच्छी खबरें लोगों तक जाए और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचा के अच्छे समाज निर्माण में ये चैनल अपना सहयोग दे। मैं इस चैनल की तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका न्यूज़ ये नया चैनल चालू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो सही न्यूज़, जो रियल न्यूज़ है, वो न्यूज़ को पेश किया जाए, प्रसारित किया जाए ये माध्यम से, और ऐसे ही उनका आगे फ्यूचर में, फ्यूचर ब्राइट है। अगर न्यूज़ अच्छी चलाए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लाए, जो रियलिटी है वो दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ चैनल आगे आगे एक शिखर पे, एक मंजिल तक पहुंच जाएगा और मैं ये शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जय हिंद। आपका न्यूज़ इस चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसे हमें आनंद हो रहा है। आपका चैनल को हमारी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यूज़ अपना चैनल शुरू करने जा रहा है, तो उन्हीं के लिए 15 अगस्त के दिन हम पुलिस विभाग से शुभेच्छा प्रदान करते हैं। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं, बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान।
खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर तेज तरार खबरों में आप सभी का स्वागत है। अब एक नजर देश प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर राष्ट्रीय गीत का कथित तौर पर अपमान करने के लिए जेडीयू नेता इकबाल अंसारी ने दरभंगा में मामला दर्ज कराया है। दरअसल तेजस्वी ने एक ट्वीट के जवाब में लिखा था, सही कहा, इनका वंदे मातरम वंदे मारते हैं हम है। बतौर अंसारी इस ट्वीट से देशवासियों को काफी दुख पहुँचा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर आरएसएस प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने कहा है कि राहुल न आरएसएस के बारे में जानते हैं और न ही उन्होंने इसे समझने की कोशिश की है। वैद्य ने कहा कि राहुल भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के गुरुवार को आए परिणामों में टीएमसी ने सभी 7 स्थानीय निकायों में जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। दुर्गापुर में सभी 43 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जबकि 2012 में उसके पास सिर्फ 29 सीटें थी। बीजेपी ने 3 नगर निगमों में 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। निजी न्यूज चैनल द्वारा किए गए सर्वे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश भर में सबसे अच्छा काम करने वाली मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई है। इस सर्वे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे स्थान पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां स्थान मिला है। रणथंभौर में बाघों के बढ़ते कुनबे को संतुलित करने के लिए जल्द ही 2 बाघ ट्रैंक्विलाइजर करके सरिस्का में भेजे जाएंगे। इनमें से एक नर और एक मादा शामिल है। वन और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह ने अलवर में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि राष्ट्रीय बाघ परियोजना और राज्य सरकार ने एक नर बाघ को सरिस्का भेजने की सहमति व्यक्त की है, लेकिन सरकार ने बाघ और बाघिन का जोड़ा भेजने का निर्णय लिया है और इस पर चर्चा भी हो चुकी है और तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहचान के बाद ही ऐसे बाघों को चिन्हित कर ट्रैंक्विलाइजर किया जाएगा जो अब तक अपनी टेरिटरी नहीं बना पाए और आए दिन इंसानी आबादी वाले इलाके में घुस आते हैं। अलवर के सदर थाना अंतर्गत गुजर बाईपास के पास देर रात को ट्यूशन से पढ़कर अपने घर पर जाते समय एक छात्र को रोडवेज की बस ने कुचल दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने बताया कि मोहन पुत्र प्रहलाद यादव कल शाम ट्यूशन पढ़कर अपने घर की ओर जा रहा था। उसी दौरान गुजर बाईपास के पास तेज गति से आते रोडवेज बस ने छात्र को बुरी तरह कुचल दिया। सदर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, शव को परिजनों को सौंप दिया है। खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरों का। देखते रहिए आपका न्यूज। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं। बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान। खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज। ये आपका न्यूज चैनल यहाँ पर जो 15 अगस्त से आपने शुरू किया है, पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को सामने लाने का प्रयास किया जाए, ना कि मीडिया के नाम पे धब्बा बने, क्योंकि आज मीडिया के बारे में समाज में जिस प्रकार की भावना निर्माण हो रही है उस भावना को यहाँ पर हमें सुधारना चाहिए और समाज में जिस प्रकार की तकलीफ है उसको प्रशासन के सामने, शासन के सामने लाने का काम करना चाहिए। मैं इस शहर का मेयर होने के नाते आपका जो चैनल है इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपसे समाज हित की जितनी भी न्यूज़ है, जितनी भी खबरें हैं वो बिन शर्त वहाँ पर दिखाई जाए।
आपका न्यूज़ चैनल की शुरुआत हुई है 15 अगस्त से, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। हमें न्यूज़ चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की, पूरे महाराष्ट्र की सारी खबरों की ये पता चलने वाला है। मैं ये चाहती हूं कि ये न्यूज़ चैनल जो है वो बहुत ही निष्पक्ष भाव से ये चैनल चलाएँ और सारी जो न्यूज़ हैं, जो सारी खबरें हैं वो हम तक पहुँचाएँ। बहुत सारी घटनाएँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम तक आते हैं। मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोने में महाराष्ट्र के आप पहुंचे और जो भी वहां कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो सारी जनता तक पहुंचाए। मैं नेत्रा शिर्के नगर सेविका हूं नवी मुंबई की नेरुल से, और मैं मेरी तरफ से और मेरे वार्ड के सारे नागरिकों की तरफ से आपका न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आपका जो न्यूज़ चैनल नया जो ओपन हो रहा है इस समय पर, इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे ही आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से सामाजिक, शैक्षणिक और सभी राजकीय स्तर पे लोगों के विकास के लिए अच्छा काम करें और न्यूज़ चैनल से अपने विभाग के लिए विकास के लिए आप भी प्रयत्नशील रहें। हम उम्मीद रखते हैं कि आपके चैनल से, कि आपका चैनल आम आदमी का चैनल होना चाहिए, लोगों की सुख, लोगों का जो दर्द है, सुख दुख है, उसमें सहभागी होकर जनता का आईना बनना चाहिए। इसी तरह से इस चैनल काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। फिर एक बार मैं आपके ये चैनल को, न्यूज़ नए चैनल को, आपका न्यूज़ को मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जो आपका न्यूज़ है मैं आपको बताऊंगा, ये सच आपके सामने रखेगा और कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा उसको पूरी ताकत से उठाएगा कि जब तक सिस्टम को, मतलब हम चाहेंगे कि सिस्टम इसका मतलब दखल ले और जो हम जो अन्याय अत्याचार उसको तुरंत उस पर मतलब अंकुश लगाए, इसलिए हम चाहेंगे कि अपना न्यूज़ ये तत्पर रहेगा। आपका ये न्यूज़ है उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप बहुत गरीब लोगों से और अमीर लोगों तक आपका ये चैनल चलता रहे और जो सही न्याय है वो आपका चैनल अच्छे तरह से सही न्याय देगा, ये मुझे पता है। आपका न्यूज़ के सभी दर्शकों को राहुल वालंज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आपके न्यूज़ को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी चाहूँगा कि इस चैनल के जरिए अच्छी खबरें लोगों तक जाए और सच्ची खबरें लोगों तक पहुँचा के अच्छे समाज निर्माण में ये चैनल अपना सहयोग दे। मैं इस चैनल की तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका न्यूज़ ये नया चैनल चालू हो रहा है, मेरी शुभकामनाएं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो सही न्यूज़ जो रियल न्यूज़ है वो न्यूज़ को पेश किया जाए, प्रसारित किया जाए ये माध्यम से, और ऐसे ही उनका आगे फ्यूचर में, फ्यूचर ब्राइट है। अगर न्यूज़ अच्छी चलाए, अच्छे अच्छे न्यूज़ लाए, जो रियलिटी है वो दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ चैनल आगे आगे एक शिखर पे, एक मंजिल तक पहुंच जाएगा, और मैं ये शुभकामनाएं उनको देता हूँ। जय हिंद। आपका न्यूज़ इस चैनल का उद्घाटन हो रहा है, इसे हमें आनंद हो रहा है। आपका चैनल को हमारी तरफ से आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका न्यूज़ अपना चैनल शुरू करने जा रहा है, तो उन्हीं के लिए 15 अगस्त के दिन हम पुलिस विभाग से शुभेच्छा प्रदान करते हैं। हम किसी से डरते नहीं, खबरों से समझौता कतई नहीं। बेखौफ है हमारा अंदाज और बेबाक हमारी जुबान। खबरों की खबर देना है हमारा धर्म, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पर और आप पर। देखते रहिए हमारे साथ आपका न्यूज़। तो चलिए अब एक सरसराती निगाह डालते हैं खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर। भारतीय सिनेमा जगत में आज पहली बार रिले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। सिडको के एग्जीबिशन सेंटर में यह रिकॉर्ड करीब 350 कलाकारों ने बनाया। डॉक्टर तात्या राहा ने पावर इज विद इन, इस फिल्म के संगीत काड़कवाला बिदुन टाकू, इस गाने पर रिकॉर्ड बनाया गया। इस गाने में 7 साल से लेकर करीब 72 साल तक कलाकारों का समावेश था। गौरतलब है कि इसमें एक दृष्टिहीन बच्चे का भी समावेश था। इस कार्यक्रम में मंत्री गिरीश महाजन और फिल्म जगत से अलका कुबल,
ऋषिगंधा वार्ड, साधना सरगम और केतकी मेटागांवकर जैसे कलाकारों ने शिरकत की। आपको बताते चले कि यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और सुरेश रैना हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में हुए योयो टेस्ट में फेल हो गए हैं। बतौर रिपोर्ट्स, भारतीय टीम में चयन के लिए 19.5 या उससे अधिक योयो स्कोर बनाना होता है। गौरतलब है श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में दोनों ही क्रिकेटर अपनी जगह नहीं बना सके। एक महीने पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने रवि शास्त्री ने कहा है, मैं चाहता हूं कि जब 2019 विश्व कप में हमारी टीम उतरे तो उसकी फील्डिंग सबसे मजबूत हो। भारत को हाल ही में श्रीलंका पर क्लीन स्वीप दिलाने वाले शास्त्री ने आगे कहा कि 2019 विश्व कप में टीम में सबसे फिट खिलाड़ी को ही चुना जाएगा। भारत को वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी दुबई में अपनी क्रिकेट अकेडमी खोलने वाले हैं। धोनी ने दुबई के पैसिफिक स्पोर्ट्स क्लब में अपनी एकेडमी खोलने का फैसला लिया है। वहीं स्पिनर रविचंद्र अश्विन भी दुबई में अपनी क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे, जिसका कोचिंग प्रोग्राम उन्होंने खुद तैयार किया है। श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को खत्म हुए टेस्ट सीरीज में 10 विकेट झड़कने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर करने पर फिर से ट्रोल हुए हैं। इस फोटो पर एक यूजर ने लिखा, कहीं उनकी इस तस्वीर पर फिर से फतवा ना आ जाए। वहीं यूजर ने लिखा, इस्लाम खतरे में है। हाल ही में श्रीलंका का टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर ऑटर चलाते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उनके साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों ही क्रिकेटरों ने आखिरी टेस्ट मैच में शतक जड़े थे। नवी मुंबई के करावा गांव में बंजारा समाज की ओर से तीज उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बंजारा समाज की सैकड़ों महिला और लड़कियों ने इस तीज उत्सव में भाग लिया। सभी महिलाओं ने इस वक्त समाज की पारंपरिक नृत्य सादर कर उत्सव का आनंद लिया। मुंबई में बुधवार को लैक्मे फैशन वीक का आगमन हुआ। दिशा पटनानी, सानिया मल्होत्रा, सोलन चौहान इस फैशन वीक में नजर आई। तेज तरार खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आपका न्यूज।